देश के 74वें आम बजट में समाहित रेल बजट में जमालपुर रेल कारखाना की उपेक्षा डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने एवं रेल के हितों से जुड़े अपनी मांगों पर केंद्र सरकार की कोई घोषणा नहीं होने से बखुलाए जमालपुर रेल कारखाना संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है और जमालपुर स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंक अपने गुस्से का इजहार किया है। संघर्ष मोर्चा में शामिल राजद, जदयू, सपा, भाकपा, बसपा, एनसीपी, लोजपा, बीजेडी, जाप के नेताओं और प्रतिनिधियों ने मोर्चा के संयोजक सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव एवं मोर्चा के सह संयोजक जदयू नेता कन्हैया सिंह के नेतृत्व में जमालपुर की हृदय स्थली जुबली बेल से प्रदर्शन करते हुए स्टेशन चौक पहुंचा था और पुतलों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी जमालपुर कारखाना के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ, आम बजट धोखा है, जमालपुर को अंधकार में झोंका है, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री शर्म करो, जनता के अधिकार का हनन बंद करो आदि नारे लगा रहे थे और जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज आम बजट और इस आम बजट में समाहित रेल बजट को लेकर के हम जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल विभिन्न दल के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं, लेकिन यह सरकार इतना निरंकुश हो गया है कि यह आम आदमी के हितों की लगातार उपेक्षा कर रहा है। जमालपुर रेल कारखाना जो एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना है, इस 74वां बजट में भी इसके साथ धोखा हुआ। मोर्चा की जो मांगे थी कि डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील किया जाए, घोषणा नहीं हुई। वाई लेक पर नया स्टेशन दिया जाए, घोषणा नहीं हुई। रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, घोषणा नहीं हुई। और हमारा जो प्रमुख मांग है कि जमालपुर कारखाना, चूँकि बिहार में इकलौता कारखाना जमालपुर कारखाना है, इसको पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करिए। और लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक कारखाना होने के बावजूद किसी सरकार का ध्यान हमारे कारखाना की तरफ नहीं आकृष्ट हो रहा है। इससे बड़ा इस शहर का दुर्भाग्य क्या होगा। इसके विरोध में जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और वित्त मंत्री का पुतला दहन करने का काम किया। क्योंकि मेरा सीधा सीधा मानना है, यह जमालपुर जो कि एशिया महादेश का गौरव होता है, भारत के रेलवे का जनक है, और लगातार यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, इस कारखाना के साथ धोखा करने का काम कर रहा है, सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहा है, जिसके विरोध में हम लोगों का आंदोलन निरंतर जारी है। मुंगेर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।